नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा ग्रीन कॉरिडोर। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन वाली जो ट्रेन है रोरो सर्विस के थ्रू, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो को जरूर देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि आपका ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, और साथ ही जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे, वैसे बहुत लोग गौर किए होंगे कि आपकी जो ऑक्सीजन वाली गाड़ी है उसमें आपका जो है डीजल लोकोमोटिव का यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर। ग्रीन कॉरिडोर का बहुत सिंपल सा मीनिंग, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते होंगे कि ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उस रोड को खाली करना, जो नेचुरल तरीके से रोड में जो ट्रैफिक होता है या रेलवे ट्रैक पर अगर गाड़ियों का ट्रैफिक होता है उसको उस तरीके से खाली करना कि आपका जो हमने अगर कोई इमरजेंसी सर्विस सेवा दे रही है तो वो उसके लिए पूरी चीज़ें ग्रीन मिले, तो उसे ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानकारी जरूर पता होगी। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं कि डीजल इंजन का जो उपयोग है वो क्यों हो रहा है। पहली बात तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया मतलब गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। स्टाफ अगर चेंज होगा तो बात अलग है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ मतलब विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र जो आपकी ऑक्सीजन वाली गाड़ी गई है उसमें आपका रायपुर में भी थोड़ा कुछ देर के लिए हॉल्ट था ताकि स्टाफ चेंज हो, क्योंकि स्टाफ उतना कंटिन्यू सर्विस कैसे देंगे, तो उस वजह से गाड़ी को थोड़ा देर रुकना पड़ता है। बट फिर भी ग्रीन कॉरिडोर रहता है, पूरे सिग्नल ग्रीन रहते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो जो शेयर हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि उसमें आपका डीजल लोकोमोटिव का यूज़ हो रहा है। देखिए मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए विशाखापट्टनम से रायपुर की मैं बात करूँ, आपका डीजल लाइन है, उसी तरीके से रायपुर से महाराष्ट्र तक आपका बिजली की लाइन है, उसी तरीके से आपका बोकारो स्टील सिटी से आपका लखनऊ के लिए जो ऑक्सीजन की जो ट्रेन गई है उसमें आपका कहीं कहीं पर आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिकल वाली लाइन में डीजल लोकोमोटिव भी चल सकता है बहुत आसान तरीके से, और जहाँ पर आपका वायर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ तो चलेगा ही चलेगा। तो ये वजह है कि ग्रीन जो आपका कॉरिडोर है उसको कंटिन्यू रखने के लिए टाइम वेस्ट ना हो, इंजन चेंज करने की ज़रूरत ना हो, इसीलिए एक साथ आपका डीजल इंजन का यूज़ हो रहा है और साथ ही कोई इंजन चेंज करने का कोई झंझट ना। तो यही वजह है कि आपका ग्रीन फील्ड या फिर समझ लीजिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए ही डीजल लोकोमोटिव का यूज़ हो रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।